आज हम जो है ना एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो पहले पहले बहुत खाली समय नहीं मिलता था और बहुत काम रहता था। बच्चों को स्कूल भेजना है और बहुत घरेलू काम रहते हैं। तो मतलब उसके बाद भी दिन में समय रहता था तो बस डायरी पेन लेके बैठते थे। कहीं पे भी पेपर में कहीं पे भी हम देखते थे ना, तो अच्छी अच्छी बातें हम नोट कर लेते थे डायरी में। तो कई डायरियाँ देखी हमारी, ये जो है सब बहुत सी डायरियाँ बनाए हैं, उसमें हम नोट करते थे। अब जब ये है कि बच्चे जॉब में हो गए, हस्बैंड अपने काम पे चले गए, तो मतलब बहुत समय ही समय रहता है। तो वो और फिर लगता है कि कुछ अच्छी चीज़ों में मन लगाया जाए, फालतू इधर उधर बात करके मन और ख़राब होता है। तो वही बस हम जो है ना अपनी डायरी निकालते हैं और उसमें उसको पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए जो है, ये देखिए जैसे ऐसे हमने नोट किया, 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला पूरी ज़िंदगी बदल देता है। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया धन दुखी दुख देता है। पहले लोग भावों के रिश्ते निभाते थे, फिर प्रैक्टिकल हुए, रिश्तों से फ़ायदा उठाने लगे, अब प्रोफेशनल हो गए हैं। ऐसे रिश्ते बनाते हैं जिनसे फ़ायदा उठाया जा सके। तो कितना अच्छा लगता है, मन में बड़ा सुकून लगता है। और ये सब तो आप लोग भी, मतलब हम इसलिए बता रहे हैं कि जो यंग हैं या भी इन सब बातों में, जैसे एक टाइम आता है कि ना, तब फिर ये सब चीज़ें अच्छा लगती हैं। तो आप लोग भी डायरी बनाइए और कहीं भी, अब तो नेट चल गया है, लेकिन नेट में भी चलो नेट ख़त्म हो गया तो फिर नहीं पढ़ सकते, नहीं देख सकते। तो ये जो लिखा हुआ रहता है ये कभी आपका बेकार नहीं जाएगा, चाहे जब मन आया तो आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, बिंदी सिर्फ 1 रुपए की आती है और माथे पर लगाई जाती है, पायल की कीमत हज़ारों में होती है और पैरों में पहनी जाती है। इसी तरह इंसान आदरणीय अपने कर्म से होता है, धन दौलत से नहीं होता है। मैं किसी से बेहतर करूं क्या फ़र्क पड़ता है, मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये मतलब कितना बढ़िया लगता है कि पढ़िए, इसका वैल्यू समझिए। तो बस हमारा कहने का मतलब ये है कि अभी जब जिसके पास जो समय है तो उसका यूटिलाइज करिए, इधर उधर एक टाइम सबका आता है, तब फिर कुछ चीज़ नहीं अच्छी लगती। बस अच्छे भजन गाना, भगवान का स्मरण करना, सुख शांति ये सब में मन करता है। तो आशा है आप लोग हमारी बात को समझते होंगे। देखिए हमने सब बात इसी प्रकार खूब नोट किया है और बस खाली समय में हम यही अच्छे अच्छे भजन गाते हैं और ये सब पढ़ते हैं, क्योंकि अब ना उतनी आँखों भी को भी बचाना है, अपनी शक्ति को बचाना है और अपना बड़कपन, अपना जो है पूरा जिम्मेदारी निभाना है। क्योंकि जब तक आयु है तब तक तो जीना पड़ेगा ना, अपने बस में नहीं है मरना, तो उसको अच्छे से जीए ना। देखिए लिखा है हमने, रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों लेकिन कभी भी उन्हें मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझाता ही होता है, देता है, बुझा ही देता है। खाने में कोई जहर डाल दे तो एक बार उसका इलाज हो जा सकता है, लेकिन कान में कोई जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं होता है। बस हमारा कहने का मतलब यही था बताने का, वही पढ़ रहे थे तो हमने कहा लाओ एक वीडियो बना ले। बस हमेशा अब बच्चे ने हमको सिखा दिया है, तो जितनी चीज़ें हमने सीखी हैं, हमें हमारा 3 चैनल है, शोभना रेसिपी और शोभना स्टाइल और शोभना शॉर्ट, तीनों आप लोग देखिए। तो हमारा मन घर में काम हम करते हैं और बस फिर वीडियो बनाते हैं, खूब अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं, तो बस मन लगा रहता है। तो आशा है मेरा वीडियो ये आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए
तो लाइक कमेंट शेयर करिए। थैंक यू।